जहांगीरपुरी हिंसा मामले में हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद हंसराज हंसी हैं। सर, आप वहां गए थी, क्या आपको लगा, क्या वजह रही दंगों की? क्योंकि कहा जा रहा है कि दो समुदायों का दंगा है। नहीं, कोई दो समुदायों का दंगा नहीं है। लोग शांति से रहना चाहते हैं। कुछ ऐसे हर मुल्क में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर शहर में लोग होते हैं जो पूरे शहर को डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदी, तो देर इज सो मैनी मछली। देखो, कोई ऐसे है प्लानिंग, यानी जो इस मुल्क की शांति को, क्या प्री प्लान था ये, क्या आपको लगा कि आप लोग वहाँ गए? प्लान ही है, जैसे सीरीज चल रही है, सीक्वेंस वाइज चल रही है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन मानते हैं, क्या समझते हैं कि क्या इन लोगों का किसी पॉलिटिकल पार्टी से? ये भी गुजारिश की है, जो बाकी बातें की है कमिश्नर साहब से, कि किसी भी पार्टी से, चाहे हमारी पार्टी, किसी और पार्टी से रिलेटेड कोई क्रिमिनल बंदा है, उसको राउंड अप करके इमीडिएटली अरेस्ट कर। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, मतलब प्रूव हो जाएगा तो शर्मिंदगी है ना उनके लिए। उससे पहले बता दें कि ये हमारा बंदा नहीं, अगर नहीं है, है तो कबूल कर लें। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए बीजेपी पहले भी सवाल खड़े करते आई है कि दिल्ली सरकार इन लोगों को मुफ्त की चीजें ना दे। एक बार फिर आप लोग की चीजें दे, रहने के लिए दे, ओवर फैसिलिटीज दे। इस कंट्री को जो भी डिस्टर्ब करता है उसको ये चीजें क्यों मिले? उसको तो बाहर का रास्ता दिखा। तो सर हंसराज हंस जी हमारे साथ थे, जो कि इस इलाके के सांसद भी है, जहाँ पर ये पूरा मामला हुआ, जहांगीरपुरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सांसद हंसराज हंस, उनका कहना है कि लोग शांति चाहते हैं और इसलिए पुलिस कमिश्नर से वो मिले हैं ताकि जांच में इस पर। कैमरामैन रविंदर के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।